हरियाणा करंट अफेयर तथा हरियाणा जीके का हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसटेट पीआरटी टीजीटी तथा पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉक टेस्ट हैं और इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें एसटेट पीआरटी या टीजीटी भी हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बना था पांडु पिंडारा जो क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, उसमें पूछा गया पांडु पिंडारा कहाँ पड़ता है। सबसे पहले भाई पांडु पिंडारा पड़ता है जो किस लिए फेमस है, इसलिए पूर्वजों के पिंडदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जींद में पांडु पिंडारा पड़ता है, जींद में पड़ता है। और सबसे पहले इसे पूछा जाता है कि जो पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है जिसके लिए मशहूर है, तो पांडु पिंडारा को कब जो पिंडदान किया जाता है, सोमवारी जो अमावस्या होती है उसको जो पूर्वज हमारे पिंडदान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा के जो अखबार हैं हरियाणा तिलक कि जो पत्र है किस भाषा में निकाला था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा हरियाणा तिलक जो अखबार था वह किस भाषा में प्रकाशन किया गया था, हिंदी तथा उर्दू में इन दोनों भाषाओं में इसका इस अखबार को निकाला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, बड़ा क्वेश्चन हमारा, जो 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें निम्नलिखित में से किसने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1986 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, हुकम चंद जैन द्वारा हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन किया गया था। इस प्रकार जो कहीं हुकम चंद जैन उस समय के बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 84 का है। इसमें पूछा गया है कि करनाल जो ज़िला है इसमें निर्मित किस वस्तु को विदेश तक का निर्यात किया जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करनाल में, तो इसमें विदेशों में देखिए क्वेश्चन यहाँ चावल भी आ सकता था, चावल का वो भी आ सकता, अगर बूट लिबर्टी सूचना होते तो चावल भी आता ना, तो हम चावल भी लिख सकते थे, परंतु यहाँ जूते के बारे में बताया गया तो करनाल का यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और लिबर्टी शूज कहाँ बनते हैं, करनाल में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो करनाल का संबंध, करनाल कौन है किस नाम से जाना जाता है, करनाल को और हरियाणा का और पैरिश भी कहा जाता है तथा करनाल को धान कटोरा का कटोरा भी कहा जाता है और कल्पना चावल का संबंध भी, कल्पना जो चावला थी उसका संबंध भी करनाल से था, उनका अंतरिक्ष परी भी कहा जाता था कल्पना चावला को। हरियाणा का जो प्रथम एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया था, क्वेश्चन हमारा 85 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया, किसे प्रथम अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल बनाया गया था, किसे बनाया गया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है आनंद स्वरूप को इसके हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो मास्टर चंदगीराम है, सॉरी इसमें जो क्वेश्चन हमारा इस पूछा गया है कि लगभग सभी पहलवानों को हराने वाले मास्टर चंदगीराम किस जिले से संबंध रखते थे। 5 का क्वेश्चन सॉरी हमारा 86 का क्वेश्चन है, इनका जो मास्टर चंदगीराम का संबंध हिसार था, हिसार से था, ये रेसलिंग के बहुत अच्छे प्लेयर थे। और एक बार बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, एक चांदराम, चांदराम जो थे वे वाकर थे, चांदराम एक एथलेटिक थे और चांदराम और चंदगीराम, चंदगीराम एक पहलवान थे और चांदराम एक एथलेटिक दौड़ करने वाले प्लेयर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैन काव्य धारा में हरियाणा का प्रयोग किस प्रमुख जो साहित्यकार उसने किया गया था, बड़ा इम्पोर्टेंट, श्रीधर ने जैन काव्य धारा में हरियाणा का प्रयोग किया गया था, हमारा क्वेश्चन था 87 का। अब क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंधित है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 88 का है, अजय रात्रा का संबंध क्रिकेट से है। अब बात करें तो कुश्ती, कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है और कुश्ती की हम बात करें योगेश्वर दत्त ने 12 के ओलंपिक में 2008 व 12 के लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने भारत के लिए पदक जीता। इससे पहले केडी जाधव द्वारा 1952 के जो ओलंपिक थे
उनमें कुश्ती में पदक जीता था। इसके बाद हम बात करें महिलाओं की, महिलाओं ने साक्षी मलिक ने भारत के लिए 2016 के ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता था। और अभी हाल ही में 2021 की हम बात करें तो बजरंग पुनिया, वह 2021 के टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया तथा रवि कुमार दहिया के द्वारा और ओलंपिक्स में पदक जीता गया था कुश्ती में। तो कुश्ती हरियाणा का बहुत बेहतरीन जो खेल रहा। भारोत्तोलन की हम बात करें तो भारोत्तोलन में 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने भाला पदक जीता था। 2021 में मीराबाई चानू ने 49 kg भार वर्ग में भारत के लिए पदक जीता है और ये 21 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, और इसमें सबसे अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन हमारा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान हमारा, तो 5वां संस्थान जनसंख्या घनत्व के बारे में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन सेज के जो हैं, इस सेज का मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन होता है, जो इसकी स्थापना भाई यूनिकोनोबा का क्वेश्चन हमारा कि ये 2007 में सेज की स्थापना की गई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इस क्षेत्र के अंदर विशेष तौर पर किसी भी सेक्टर को उत्पादन या किसी भी प्रोडक्ट के को बढ़ावा देने के लिए सेज का प्रयोग किया जाता था। हरियाणा जी के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगे हो तो भी लाइक और शेयर करें। ये हमारी 5वां मॉक टेस्ट था, इसमें क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्वेश्चन किए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और हरियाणा जी के से आप हमारे